नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, इस वीडियो में आपके पास इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL में आई हुई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो लॉ फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो लॉ फील्ड के लिए भी यहाँ पर दो कैटेगरी में वो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 18 अगस्त 2023 से और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 18 सितंबर 2023। अब हम देख लेते हैं उस वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे सीरियल नंबर है, पोजीशन है, पे स्केल, वैकेंसी के नंबर, एज की रिक्वायरमेंट क्या है मैक्सिमम और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और मिनिमम एक्सपीरियंस क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2.17 में और 2.18 यहाँ पर लॉ कैंडिडेट्स के लिए दो वैकेंसीज यहाँ पर मेंशन हुई हैं। 2.17 में है लॉ ऑफिसर की वैकेंसी और 2.18 में है लॉ ऑफिसर HR की वैकेंसी। यहाँ पर जो वेतन होने वाला है दोनों ही वैकेंसी के लिए वेतन सेम है, 50,000 से 1,60,000 रुपये का वेतन है। लॉ ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है उसके नंबर है 5 और लॉ ऑफिसर्स HR की जो वैकेंसी है उसके नंबर है 2। और जो मैक्सिमम एज है दोनों में मैक्सिमम एज है आपकी 26 ईयर और जो आपके पास रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है सेम, यानी कि आपके पास LLB की डिग्री चाहिए और मिनिमम एक्सपीरियंस का जो रिक्वायरमेंट है वो भी दोनों में सेम है, यानी कि दोनों में 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन क्वालिफाइंग डिग्री। तो अगर लॉ ऑफिसर के बारे में बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी, OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 60% मिनिमम मार्क्स एग्रीगेट आपके रिक्वायर्ड है और 55% मार्क्स आपके SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड हैं। अगर बात की जाए लॉ ऑफिसर के वर्क एक्सपीरियंस के बारे में तो यहाँ पर जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए ये तो हमने पहले ही मेंशन कर रखा है कि 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए और जो आपका ये काम होना चाहिए ये आपका एक्सपीरियंस लॉ फर्म में हो, लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी में हो या फिर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में भी आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। और ये जो एक्सपीरियंस होना चाहिए ये आपकी LLB डिग्री एक्वायर करने के बाद होना चाहिए, यानी कि जब आपको LLB की डिग्री मिल गई हो, जब आपने LLB की परीक्षा पास कर ली उसके बाद आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास इसका 1 साल का होना चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस के अलावा जो कैंडिडेट हैं उनके पास नॉलेज होना चाहिए, वो कंप्यूटर सेवी होने चाहिए और उनके पास MS वर्ड और पावर पॉइंट का अच्छा नॉलेज यहाँ पर रिक्वायर्ड है। और जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो हैं आपकी, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन है ड्राफ्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, आपकी जो है स्ट्रेटजी बनाना होगा, डेवलप द स्ट्रेटजी फॉर फाइलिंग एंड डिफेंडिंग केस होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, आपको साउंड लीगल ओपिनियन और एडवाइस देनी है, आपको जो रिस्पॉन्ड जो क्वेरीज आ रही हैं उनका क्विक रिस्पॉन्स करना है, जो एडवोकेट्स हैं जो पैनल एडवोकेट्स हैं HPCL की तरफ से उनको आपको जो है असिस्ट करना है, उनको ब्रीफ करना होगा, साथ ही साथ लीगल फील्ड में नया क्या हो रहा है उससे आपको अपडेट रहना है, आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन केसेस में भी आपको जो है वहां पर आपको उनको हैंडल करना है। और यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से होगा, और यही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस और ये जो नोट है वो सेम टू सेम यहाँ पर आपके लॉ ऑफिसर HR में भी मेंशन है, सारी चीज़ें लगभग सेम ही सेम हैं, आपको वही चीज़ें यहाँ पर भी चाहिए। इस PDF की वेब लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है, आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके इस PDF को डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस की तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो आपका जो है कई स्टेजेज में होगा, जिसमें आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा, पर्सनल इंटरव्यू होंगे और लॉ ऑफिसर्स के लिए जो है मुठकोड़ भी होगा, यानी कि बाकी सबके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो साथ ही साथ जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक स्टेप बढ़ जाएगा, उनके लिए मुठकोड़ भी होगा। सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू होकर गुजरना होगा, एक बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका क्वालिफाई कर ले जाएंगे उसके बाद आपके जो अदर जो आपके टास्क हैं, आपके जो अदर फेजेज हैं उनसे भी होकर आपको गुजरना होगा। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और चूंकि लॉ वालों के लिए यहाँ पर एक अलग भी व्यवस्था है कि लॉ ऑफिसर्स के लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी उसी के साथ साथ होगा। ये टेस्ट आपका 2 पार्ट में होगा, पहला पार्ट है आपका जनरल एप्टीट्यूड और दूसरा पार्ट है आपका प्रोफेशनल नॉलेज। जब बात की जाए जनरल एप्टीट्यूड की तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज से आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आएंगे, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट का होगा जिसमें लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन की बात की जाएगी। और बात की जाए अगर आपके प्रोफेशनल नॉलेज की तो आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है जिस डिग्री को आप होल्ड करते हैं यानी कि लॉ की डिग्री, तो लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो है प्रोफेशनल नॉलेज में पूछे जाएंगे। और जो सिलेक्शन होगा वो सारे स्टेज के जो आपके टेस्ट हैं उनके मार्क्स को कंबाइन करते हुए एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसमें आपके एक्सपीरियंस को भी जो है उसमें काउंट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी की HPCL की वेबसाइट पर जो है एक उचित समय पहले जो एग्जाम के आपके नोटिफाई कर दी जाएगी। अगर लॉ ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो चूंकि उनका पे स्केल 50,000 to 1,60,000 में आता है तो आपकी जो पर एनम सैलरी होने वाली है एज ए लॉ ऑफिसर यहाँ पर वो होगी लगभग 17 लाख रुपए।
यहाँ पर सिलेक्शन के बाद आपका एक साल का प्रोबेशन होगा और एक साल का प्रोबेशन पूरा कर लेने के बाद आपका जो है आपको कंसिडर किया जाएगा कन्फर्मेशन के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो एप्लीकेशन फी है वो है आपका 1180 रुपये। अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा www.hindustanpetroleum.com। वहाँ पर आप जाएंगे करियर सेक्शन में, करियर सेक्शन में आपको ऑप्शन मिलेगा करंट ओपनिंग का। करंट ओपनिंग पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने का ऑप्शन मिलेगा और आप उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के और उसको डाउनलोड करके आप वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्लिक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे और उसको जो है फॉर्म को भरते जाएंगे। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।